जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आज का महामंत्र क्या है, उस महामंत्र का जप कैसे करेंगे और उसका क्या फायदा मिलेगा ये बताऊंगा। इसके बाद पंचांग की क्या स्थिति है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रमा किस राशि पर होगा, कौन सा योग है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, सारी चीजें आपको बताएंगे। 12 राशियों के बारे में बताएंगे, गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदिन उनके भी बारे में बताऊंगा, प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम संघ सनश्चराय नमः। ये जो महामंत्र है या जो ग्रहों में न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं सूर्य पुत्र शनि, उनका ये महामंत्र है। यदि आपकी कुंडली में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा है और शनि यदि मेष राशि का होकर के नीच का बैठा है या शनि मंगल एक साथ हैं, ऐसे परिस्थिति में इस महामंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद होगा। और इस मंत्र का कम से कम एक माला तीन माला आप नियमित जप करिए। आप देखेंगे आपकी शनि की ढैया और साढ़े साथी से आपको जो परेशानियों से निजात मिलेगा और शनि आपके लिए अनुकूल फल देंगे। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 6 मई 2023 दिन है शनिवार, सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:36 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:59 पर, आज चंद्रोदय होगा शाम को 7:49 पर, चंद्रास्त होगा सुबह 5:46 पर। आज चंद्रमा रहेगा तुला राशि में और आज कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि है, विशाखा नक्षत्र है, व्यतिपात योग है और आज जो शुभ मुहूर्त है वो 11:51 से लेकर के 12:44 दोपहर काल तक रहेगा। राहु काल है सुबह 8:57 से लेके सुबह 10:37 तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशाशूल है। आज आपको ध्यान रखना है कि आज जो चंद्रमा है वह तुला राशि में है, तो तुला राशि में चंद्रमा होने के नाते आप अपने को चैनलाइज करिए, अपने व्यापार काम नए तरह की शुरुआत करिए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यदि आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें, शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य फलीभूत होगा। और दिशाशूल में यात्रा न करें, यदि दिशा यात्रा बहुत अनिवार्य है तो एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के करें, राहु काल में कोई भी नया कार्य न करें। बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, कौन विदेश जाएगा, किसके घर में नया मेहमान आएगा, किसको शुभ समाचार मिलेगा, कौन गाड़ी खरीदेगा, कौन कृषि भूमि खरीदेगा, किसको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, किसको मुकदमे में जीत मिलेगी, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, कौन पुलिस सेवा में जाएगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, ये सारी बातें बताएंगे। किस अंक के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगा, सावधानी क्या बरतें, उपाय क्या बरतें, ये सारी बात बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज का दिन आपका समय जो है अति अनुकूलता लिए हुए है। अपनी एनर्जी सही दिशा में लगावें, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें ताकि आपका समग्र विकास हो सके। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, चतुर्दिक लाभ होगा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित ना हो, अलर्ट रहें। यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। माली हालत अच्छी होगी, मान सम्मान मिलेगा, नए तरह के कार्य करेंगे, भूमि भवन से लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। आज आपको सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त हो सकता है। यदि आप पुलिस में हैं या प्रशासन में हैं तो आज आपका पदोन्नति होगा स्थानांतरण के साथ। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपका भाग्य अनुकूल है। जो भी एफर्ट करेंगे भाग्य की अनुकूलता के कारण आपका सारे कार्य संपन्न होंगे। भाग्य से सारा रुका हुआ कार्य होने की संभावना बन रही है, धन लाभ होगा, पदोन्नति का योग बन रहा है।
अकारण चिंता हो सकती है, तो चिंता दूर करें। मानसिक उद्विग्नता क्यों बनी रहेगी ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो अपनी मानसिक उद्विग्नता से दूर रखें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि मानसिक उद्विग्नता का कारण कुछ है नहीं, फिर भी आप परेशान हैं क्योंकि टेंशन की एजेंसी पाल लेते हैं, जो कार्य नहीं हो सकता उसके बारे में सोच के परेशान होते हैं। तो आप सोच ही रहे तो अच्छा सोचिए कि हमारे घर में शुभ होगा, मांगलिक होगा, प्लानिंग अच्छा करिए ताकि मन आपका प्रसन्न रहे। पराक्रम से धन लाभ होगा, परिस्थिति अनुकूल है, सावधानी क्या बरतने, साझेदारी में कोई व्यापार न करें। उपाय क्या करना, सफेद वस्त्र दान करें, जरूरतमंदों को भोजन करावें, चिड़ियों को दाना पानी दें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 6, हरि कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है ना कि परेशान मत होइए, आपके जो कर्जे हैं सब समाप्त होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी। पत्नी की बात सुनिए, पत्नी की राय लीजिए, पत्नी पर कोई चीज थोपिए नहीं, दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए। शेयर ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा, नया कार्य संपन्न होगा, भूमि भवन खरीदने के अवसर मिलेंगे, आपके विरोधी रोग शत्रु सब परास्त होंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अचानक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजयश्री मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला चल रहा है तो विजयश्री मिलेगी, परेशानियां दूर होंगी, विरोधी औधे मुंह गिरेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आपको ध्यान रखना कि आपके जो मन है ना, मन का स्वामी चंद्रमा है। कहते चंद्रमा मन सो जाए थे, चंद्रमा के नाते आप मन परेशान रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, एकांत में मत रहिए, गाना सुनिए, म्यूजिक सुनिए, संगीत सुनिए, मंत्र सुनिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, भावेश ना के कोई कार्य न करें, किसी के बहकावे में ना आवे। नए व्यापार होने का योग बन रहा है, परिवार में नए मेहमान आ सकते हैं, शुभ कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है, धनागम की स्थिति अच्छी होगी, रोजी रोजगार के अवसर मिलेंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, सावधानी क्या बरतनी है, अपने मन पर नियंत्रण रखें, मन को कंट्रोल में रखें, पॉजिटिव सोचें। उपाय क्या करना, चांदी का चंद्रमा दान करें और पशु पक्षी को जल दाना पानी जरूर दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर करल, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, सिंह स्वभाव से आप आलसी हैं, तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करिए, प्लानिंग मत करिए, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करिए, केवल सोचते हैं हवाई महल बनाने से काम नहीं चलेगा, विवादों से बचें, समय स्वर्णिम चल रहा है, धन लाभ का अवसर है, प्रगति एवं कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, जिसकी आपको चीर प्रतीक्षा है, जिसको बहुत दिनों से अवेटेड है, वो सारे कार्य होंगे, स्वास्थ्य से लाभ होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी, आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है, सारे कार्य संपन्न होंगे, माली हालत अच्छी होगी, विदेश जा सकते हैं, परेशानियां दूर होंगी, माता का सुख मिलेगा, पत्नी की बात सुनिए, बेवजह वाद विवाद न करिए, सवेरे सवेरे पत्नी की बात सुनिए, प्रसन्न रखिए ताकि घर में लक्ष्मी का आगमन हो। सावधानी क्या बरतनी है, आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें और कर्जा नहीं लेना है, कर्जा लेने से परहेज करना है, ध्यान रखना है। उपाय क्या करना, गाय को रोटी गुड़ खिलाना न भूलें, पशु पक्षी चिड़िया गर्मी चल रही है तो दाना पानी जरूर दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नारंगी, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि की जातक हैं, आज अपनी चिंता से सोच से बड़े परेशान रहते हैं, सोच को बदलने की जरूरत है, अच्छा तो सोचना ही नहीं चाहते, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, भूमि भवन का लाभ मिलेगा, नया वाहन खरीद सकते हैं, चतुर्थी लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, आज आपको विद्या से लाभ होगा, जो आपके अंदर स्किल है, आर्ट है, कला है, वर्सेटिलिटी है, उसका सदुपयोग करिए, उससे आपका करियर निर्धारित होगा, विद्या से लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, परिस्थिति अनुकूल है, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, अब बड़ा नकारात्मक सोचने लगते हैं, क्यों भाई, मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मक सोचने से एनर्जी का ह्रास होता है, इसलिए पॉजिटिव सोचिए। उपाय क्या करना है, आप किसी जरूरतमंद को दूध पिलावें और गाय को पशु पक्षी को दाना पानी दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। जो तुला राशि वाले जातक हैं, इनकी परेशानी ये है कि इनको अपने मान सम्मान की बड़ी चिंता रहती है, प्रतिष्ठा क्या होगा, क्या करेंगे, ये सब सोच सोच के परेशान रहते हैं, बड़े सेंसिटिव हैं,
ऐसा न करें, अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखें, सोच पर नियंत्रण रखें। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अचानक यात्रा हो सकती है, दूर देश की यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा। यदि कोई न्यायालय में वाद विवाद चल रहा हो तो आपको विजयश्री मिलेगी। स्थिति, धन की स्थिति अच्छी होगी, माली हालत में सुधार होगा, परेशानियां दूर होंगी, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, तनाव समाप्त होगा। तनाव मत लें, उपाय क्या करना, माफ करिएगा, सावधानी क्या बरतनी है, आज गुस्से में परहेज करें, गुस्सा एकदम न करें। उपाय क्या करना है, दूध या दूध से बनी मिठाई मंदिर में दान करें। चिड़ियों को दाना पानी देना न भूलें। शुभ अंक के साथ शुभ रंग हल्का नीला, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आप भूमि भवन खरीद सकते हैं, बड़ा अच्छा समय चल रहा है। विवादित प्रॉपर्टी न खरीदें, भवन निर्माण का योग बन रहा है, आज लाभ होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे, घर बना सकते हैं, रुका हुआ धन मिलेगा, नए तरह के कार्यों से लाभ होगा, संतान से मन प्रफुल्लित रहेगा। उनकी टेरिटरी में बेहद ज्यादा खलंदाजी न करें, टोका टोकी न करें, बच्चों की आलोचना न करें, बच्चों के पॉजिटिव पक्ष को देखिए, उनको उत्साहित करिए। परिवार और पत्नी के प्रति कंसर्न रखिए। आप एकदम सब कुछ करते हैं, परिवार पत्नी के प्रति ध्यान नहीं देते तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। परिवार में खुशी चाहते हैं तो थोड़ा परिवार को समय दें। सावधानी क्या बरतनी है, सकारात्मक विचारधारा अंदर मन से लाना है, नकारात्मक विचारधारा नहीं लाना है। क्या लाना है, सकारात्मक विचारधारा। आपके मन में खाली निगेटिव ही रहती है, गुस्सा आता है, परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, तो अच्छा सोचें। उपाय क्या करना है, बंदरों को चना हुआ भुना हुआ चना और गुड़ खिलावे। और गर्मी है, गर्मी में क्या करिए कि चिड़ियों को दाना पानी दे। चिड़िया भी प्यासी होती है, उनका कोई है नहीं तो उनके अपने दरवाजे पर, बगीचे में जहाँ पेड़ हो वहाँ पानी किसी पात्र में रख दीजिए, ताकि चिड़िया पानी पी करके आनंदित रहे। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आपके जो स्वामी है देव गुरु बृहस्पति है, अब भी वजह मान सम्मान को लेकर परेशान रहते हैं, ईगो हर्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर परेशान रहते हैं। अरे भाई, आपको इतना मान सम्मान को लेकर क्यों चिंता रहती है, आप अपनी क्वालिटी से आपको मान सम्मान मिलेगा, चिंतित न होइए। आत्मसम्मान, ईगो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, तो अपने को बैलेंस रहिए, हम्बुल ग्राउंड पर रहिए, लोगों का सम्मान करिए, अपने आप को सम्मान मिलेगा, परिवार में शुभ कार्य होगा, नए तरह के कार्य होंगे, परिस्थितियां अनुकूल होगी, विवादों से बचने की जरूरत है और मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। रुका हुआ धन प्राप्ति का योग बन रहा है, शिक्षा से लाभ मिलेगा, आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, शिक्षा में लेक्चरर हो सकते हैं, अध्ययन अध्यापन में जा सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो कुछ बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। सावधानी क्या बरतनी है, भावुकता में कोई बाह के निर्णय न लें। उपाय क्या करना है, गाय को रोटी और गुड़ खिलाना न भूले, मंदिर में पीला चना दान करिए और चिड़ियों को दाना पानी देना न भूले। शुभ अंक 4, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 6, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। जो मकर राशि वाले जातक हैं, आज आपको बड़ी चिंता रहती है कि हम क्या करें क्या न करें, ये सब सोच छोड़िए, लक्ष्य के प्रति लग जाइए, बड़ा लक्ष्य रखिए, आयात निर्यात से धन मिलेगा, परेशानियां दूर होंगी, जो सोच रहे ना कार्य जो नहीं हो रहा है वो सारे कार्य आज हो जाएंगे। संतान से भी लाभ मिलेगा, संतान की अच्छी पढ़ाई लिखाई, हेल्थ वेल्थ अच्छा रहेगा तो संतान से भी लाभ होगा। यात्रा ताटन देश अटन से लाभ होगा। आलस्य का परित्याग करिए, कर्म क्षेत्र में लग जाइए, विवादों में न पड़े, कंट्रोवर्सी से बचिए, कंट्रोवर्सी बड़ा खराब है। और गाड़ी तेज न चलाइए, शनि की 7:30 भी चल रही है तो थोड़ा सा अपने वाणी पर मुंह पर कंट्रोल करिए, कब क्या बोलते हैं कोई भरोसा नहीं, लोग जब रिएक्ट होते तब आपको लगता रही तो मुझसे गलती हो गई, तो आप इस तरह के व्यवहार ही क्यों करते हैं, इस तरह का व्यवहार न करिए। सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक सोच न आने दें। उपाय क्या करना है, चिड़ियों को दाना पानी खिलावें, काली वस्तु का दान करें, सरसों का तेल दान करें, और अगर आज आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनको चोला चढ़ाते हैं, तो आपकी सब परेशानी दूर हो जाएगी, शनि की 7:30 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाइए। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है ग्रे कलर, लक मीटर है 6, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर शनि की 7:30 चल रही है, परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन चिंतित न हो, सारे रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बड़ा लाभ होगा, नए महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, कई नौकरियां मिल सकती हैं, व्यापार से लाभ मिलेगा। थोड़ा नेत्र को लेकर के शारीरिक पीड़ा हो सकती है तो उससे चिंतित न हो, मेडिसिन खाइए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और अपने को बैलेंस रखिए।
माता पिता की बात सुनिए, बेवजह बात विवाद न करिए, मित्रों को महत्व दीजिए, जो आपके पुराने सहपाठी हैं जिनके साथ आपने अध्ययन अध्यापन किया है उनको याद करिए, अपने पुराने दिनों को याद करिए, पढ़ाई के समय को उनके साथ समय व्यतीत करिए ताकि आपको ऊर्जा आवे, अपने ऊर्जा का ह्रास न करिए, ऊर्जा को बढ़ाइए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, उसको करने की जरूरत है। राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, कल कारखाना लगा सकते हैं, उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। सावधानी क्या बरतनी है, आप खर्चे बहुत करते हैं बिना सोचे समझे, तो इनकम बढ़ाइए, इनकम बढ़ाते नहीं है, खर्चा कर लेते हैं, तो खर्च पर कंट्रोल करिए। उपाय क्या है, सरसों के तेल का दान करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, शनि की 7:30 है तो इससे बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए। शुभ अंक 1, शुभ रंग है काला, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मीन राशि होती है उसके स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति गुरु की भूमिका में होती है, गुरु की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण होता है, गुरुता होती है। तो आप अपने स्वभाव में गंभीरता लाइए, परिपक्वता लाइए, अपनी सोच बदलिए, बिना मतलब शत्रु मत बनाइए बात बात में, तो थोड़ा सा अच्छा बोलिए, लोगों की मदद करिए। आज आपके विरोधी बड़े सक्रिय हो सकते हैं तो बड़े केयरफुल रहने की जरूरत है, परेशानियां थोड़ी कम हो सकती हैं। स्पिरिचुअल लाभ होगा, कल साइंस में रुचि बढ़ेगी, भाग्योदय होने का योग बन रहा है, घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है, पदोन्नत का भी योग बन रहा है, परिस्थिति आपके अनुकूल है, माता पिता का सुख मिलेगा, बहनों का सुख मिलेगा, भाइयों का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। जहां आप नौकरी करते हैं वहां सबसे आपने शत्रुता बना रखी है, तो थोड़ा सा अच्छा बोलिए, अपना व्यवहार अच्छा करिए, बेवजह आत्मसम्मान को लेकर के चिंतित मत होइए, दूसरे का भी आत्मसम्मान है, अगर आपको अपने आत्मसम्मान की चिंता है तो दूसरे की भी आत्मसम्मान की चिंता करिए। जो व्यवहार आपको खराब लगता है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ ना करिए, देखिए सारे विरोधी आपके अपने हो जाएंगे। तो सारा मामला व्यवहार का है, तो व्यवहार ठीक रखिए, अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, बहुत खराब बोलते हैं तो कटु भाषा एकदम न बोले। उपाय क्या करना, चने का दाल मंदिर में दान करें, शुभ अंक 2, शुभ रंग सिंदरी रंग, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे की। तो गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता के लिए निमित्त है, तो आज खास तौर से जो शनिवार है वो जो ग्रहों के न्यायाधीश है शनिदेव, उनके लिए समर्पित है। आज शनिदेव की यदि आप विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज मैं कुछ आपको खास उपाय बताऊंगा, अगर वो आप करते हैं तो इससे शनिदेव अति प्रसन्न होंगे, और इन उपायों को करने से शनिदेव प्रसन्न होकर आपके जीवन के जो भी कष्ट है, जो दैनिक दिनचर्या का, सब दूर कर देंगे और आपकी परेशानियां दूर होंगी। उपाय कुछ नहीं, बहुत छोटा छोटा उपाय है, दैनिक जीवन में इसको आसानी से कर सकते, तो आपको बताता हूँ। शनिवार के दिन पीपल के जो कुछ पत्ते ले लीजिए, जो कटे पीटे न हो, जैसे आपने देखा होगा पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहाँ पत्ते गिरे होते हैं, या तो आप उसे तोड़ लीजिए, तोड़ के वो पत्ता ध्यान रखिएगा उसमें कोई कटा पीटा ना हो, किसी प्रकार का इन्फेक्टेड ना हो, उसमें 11 पत्ते लेकर उसकी आप माला बना लें, और इस माले को क्या करें कि पास के किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनि देव को अर्पित कर दें, माला उनको पहना दें, और जब माला उनको देते हैं पहनाते हैं तो आप मंत्र क्या पढ़ेंगे, ओम श्रीम ह्रीम संग सनश्चराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम संग सनश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए अपने मन में जो भाव है वो शनिदेव को समर्पित करिए, इससे आपको बड़ा लाभ होगा, और कोर्ट कचहरी की सभी समस्याएं आपकी दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होगा। अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 6 मई 2023। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपको इंतजार होता होगा कि आज मेरा जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं, खूब प्रगति करें, आगे बढ़ें, आपको ऐश्वर्य मिले, प्रतिष्ठा मिले, प्रगति हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान भोलेनाथ से हमारी तरफ से हार्दिक प्रार्थना है। पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बधाई, और आज जिनका जन्मदिन है तारीख होता 6, जो 6 नंबर के जातक होते हैं उनका मूलांक होता 6, तो खास तौर से 6, 15, 24,
तिथि की जो जन्म जातक होता है उनका मूलांक 6 होता है। 6 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण अंक होता है। 6 अंक जो होता है यह खासतौर से कहते हैं कि इस तरह के लोग बड़े विद्वतापूर्ण, बड़े ही मजेदार और बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड जीवन जीते हैं। दुखी भी रहेंगे तो उनके दुख का आभास आपको नहीं होगा, उसमें भी सुख की अनुभूति करते हैं। इनको जीवन जीने की कला आती है और अपने जीवन में महान उन्नति करते हैं। चमत्कारिक परिवर्तन होता है। कभी भी अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, ये घबराते नहीं है। इनके अंदर पेशेंस होता है। देखा जाता है वर्ष आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, संततियों का सुख मिलेगा। जनवरी से लेकर जून तक का जो कालखंड है, उतार चढ़ाव आ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। पुनः जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो कालखंड है वह बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर्णिम है, इसमें आप उत्तरोत्तर विकास करेंगे। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है क्योंकि ध्यान रखना है कि आप बहुत सरल व्यक्ति हैं, सहज हैं, इनोसेंट हैं। लोग आपकी सहजता का, सरलता का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो लोगों की इंटेंशन जान करके उसमें दोबारा आप न फंसे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और भावुकता में बह के कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना है? भगवान श्री गणेश की आराधना करना है और उनको मोदक अर्पित करना है और पंचमेवा का खीर अर्पित करना है। ओम भाल चंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तब भगवान श्री गणेश की अति कृपा आप पर बरसेगी और पूरा वर्ष आपका अच्छा रहेगा। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। भाग्य गुरु बसा जितना ही, फिर हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।